कर रही है आरती, क्या कर रही हो? हाउस इट? अच्छा लगा आपको? मस्त है। चलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? आरती बेटा तो गाइस मैं आई हूँ आज नियांज के वहां पे, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि एक नया इंसान आ गया है इल्लो की लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? तो गाइस ये जो नया इंसान है ये इन दोनों में से कोई एक है, और आपको जब ये पता चलेगा तो आप हंस हंस के पागल होने वाले हो। क्योंकि मैंने कभी सोची भी नहीं कि ऐसा कुछ मुझे देखने मिलेगा, और मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली भी होती है ये चीज। बस आके फिर आएगी तुम्हारी बेटा, हमको देखे नहीं तो इतना टाइम हो गया ना तुमको। मैंने कभी सोची, अरे दिखती है, मैंने कभी दिखती ही नहीं है बहन। नज्जो जी, तुम्हारी बहन नहीं हूँ मैं। तो आप किसकी बहन है? आप खाला हो जुहान की। अच्छा ठीक है। तो गाइज मैंने कभी सोची नहीं कि ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे देखने मिलेगा। एंड सुफियान भाई तुम मतलब कैसा है यार, हाउ? वो गाइज नज्जो आपा तभी आती है जब कैमरा मेरे ऊपर रहता है, तभी उसका नज्जो आपा बोली सिर्फ नियांज के ब्लॉग में रहूंगी। हाँ, नज्जो आपा ने बोली कि अपना टैलेंट मैं सिर्फ वहां पे दिखाऊंगी। और गाइज आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये जो ये कैरेक्टर है जिसको ये प्ले कर रहा है जो इंसान, वो कभी वैसा भी कर सकता है, बिकॉज वो इंसान एकदम ऐसा ही। हाँ नहीं ये वो, अरे तुम पूरा बायोडाटा दे दोगी हमरा? हाँ हम नहीं बताएंगे नज्जो आपा के बारे में, दीदी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मैं मिसबा को नहीं मिली थी, बाकी सब फ्रेंड्स को मिल ली हूँ। अबरेश को तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आपको पता है रीजन। तो अभी मैं जाऊंगी मिसबा को भी मिलने के लिए, ईद मुबारक करने के लिए, और हम लोग आज यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग भी करने वाले, तो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। तो अभी चलो चलते हैं, अभी नज्जो आपा के साथ थोड़ी जाके कहीं नहीं बहन। अब हम मैं और नज्जो आपा एक डिस्कशन करने वाले हैं बैठ के कुछ चीज के बारे में, तो वो करते हैं एंड फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं नीचे। सो गाइज चलो चलते। सो गाइज मैंने डिसाइड की हूँ कि जैसे कि ईद है तो मैंने सोची हूँ कि क्यों ना मैं नियांज के लिए शिरकुमा बनाऊ। तो गाइज नहीं नहीं मैं बना रही, निदा बताओ, निदा बताओ कौन बना रहा है, क्या ये क्या चल रहा? हाँ सो गाइज हाथ मेरा होगा हाथ निदा का होगा मुझे सपोर्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज मैंने सोलो कभी बनाई नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में बना रही हूँ। सो आई डोंट वांट कि मैं कुछ भसड़ मचा दू। तो इंग्रेडिएंट्स आर दिस, मेहंदी वाले हाथ से बताओ, इंग्रेडिएंट्स आर दिस घी, देन शवाई, देन एवरेस्ट का मिल्क, बताओ तो क्या है, हाँ मिल्क मसाला, एंड नेक्स्ट इज दूध की आवाज नहीं आई, अमूल कूल पीता, अमूल दूध पीता है इंडिया। सही बोले यार, मैंने भी इतना गौर नहीं किया, मेंटली कितनी मैं चेक कर रही थी तुम लोगों की, तुम लोग कैसा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइज अभी हम लोग कर रहे हैं ये रेसिपी स्टार्ट, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो, अभी ईद तो खत्म हो गई लेकिन फिर भी आप बनाना चाहो घर पे तो बना सकते हो। हाँ बकरा ईद में बना सकते हो, यस बकरा ईद में कलेजी। गाइज वो सबकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बोलना, और मैं वो कलेजी ला के दे देना, तो मैं तभी बकरी की कलेजी निकाल के तुमको दे देगा, तुमको बहुत जरूरत है। चलो ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, तो लेट्स गो। तो गाइस नज्जो आपा ने ले ली है कैमरा, और ये आरती क्या कर रही हो? दूध डालने बोले ना, दूध डालने। हाँ दूध डालो, आ रहा है क्या हो बहन? हाँ बताओ, सब्सक्राइबर को बताओ क्या क्या डाल रही हो। पहले हमें डालना है दूध, तो कितना दूध डालना है वो तो बताओ। ये देखो डालते जा रही हूँ मैं, वो आपको बताएगी नीता आपा। ब्रो इसके अंदर है ना दूध आधा आधा, अरे 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 क्या कर रहे हो, छिड़ते जा रहे हैं, ऐसा मत डालो दूध, थोड़ा और 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 अरे हमारी डकार से दुनिया हिल जाती है, हिल गई मेरी, बस कितना है? या परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट, ओके। अभी आप बताइए, हमारे घर में तीन मेंबर है, एक नज्जो, रज्जो एंड सज्जो। ये कौन है? हम लोगों को नज्जो का नहीं पता,
मैं रज्जो हूँ, ये सज्जो है। अच्छा बच्चो भी तो बच्चो सही बात। अरे पूरा मेकअप खराब कर दिए। मोमेंट को तुमने लेने नहीं दिए। चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, रुको नज्जो आपा को बुलाती हूँ। हाँ बेटा नेक्स्ट स्टेप है, दूध तो डाल दिए, अब पतेली को देखते रहो, यही नेक्स्ट स्टेप है। अभी ये दूध उबलेगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होएगा। नहीं नहीं सब एक साथ डाल दो। अच्छा उबल के फट जान दो। अच्छा, मैं डालने भी जा रही थी यार। अरे नहीं बेटा डालना है, डालो डालो, इसको नहीं डालना, इसको रखो साइड में। दूध तो लेकिन उबला हुआ है ना। हाँ दूध तो उबला हुआ है, टोन मिल ही रहता है। हाँ टोन मिल ही रहता है, तो फिर उबाल क्यों रहे उसको, डाल दो सब कुछ। ये डालू? अरे जो आप आए इस बैग, खेद है थोड़ी सी देर के लिए हम सुस्तू करने गए थे, तो एक काम कीजिए, हाँ ये पूरा पैकेट दे दीजिए। नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं, आधा 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 पादा। कौन पादा? मामा जी का घोड़ा पादा। आम डाम डूस जो आप ही पाती है, चूहे की लंडी चूस। क्या ये क्या कर रहे हो? ये रेसिपी लिखी हुई इसके अंदर। इस्तेमाल का निर्देश, सुनो इसमें लिखा है इस्तेमाल का निर्देश। आधा नज्जो आपा को बुलाना ही पड़ेगा। आधा छोटे चम्मच एवरेस्ट दूध मसाले को दो कप दूध में मिलाकर उबाल ले, समझे? जितनी जरूरत हो उतनी शक्कर मिलाए, गरम या ठंडा परोसिए। आइसक्रीम कुल्फी मिल्क शेक खीर आदि को लज्जतदार और समुद्र 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 जो आप आपको बुलाओ। एवरेस्ट केसरी दूध मसाला मसाले सच सच एमडी। नहीं नहीं बेटा बेटा ये एवरेस्ट है, एवरेस्ट सॉरी सॉरी, एवरेस्ट का क्या है ऐड? एवरेस्ट का मेरे को नहीं पता ऐड क्या है, कितना डालो? अरे इसमें डालो, बताएं मालूम पड़ेगा। अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट्स है। बस 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 ज्यादा हो जाएगा। मेरे को लग रहा है दूध तुमको और लेना चाहिए ब्रो। तो दूध कम रखो ना। क्यों? नहीं क्योंकि उसमें सेवई डालेंगे ना तो फिर गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर थोड़ा और तो फिर बाद में दूध डाले पतला कर देना। अरे तुम चुप रहो ना, कम सेवई डालो। चलो डालो 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 बेटा। हाँ डाल दो और डालो। गाइस आपको ये मसाला इतना डालना है नहीं और डालना है, रुक जाओ। दूध के बाद फौरन ये डालना है मसाला, जिसको मुंह में क्या बोलते है ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए, ये घुल जाता है दूध में जाके। हाँ डालो, फ्लेवर देता है ये। डब्बा दो डब्बा दो। रेसिपी इतनी क्यूट लिखी है गाइस, लेके जाओ अपने घर पे। हाँ। फ्रेम बना के रखो। तो भी क्यूट चीजें पसंद है। यस। खुद तो क्यूट नहीं रही। ए बेटा इसको मिलाने का है क्या? हाँ मिलाओ मिलाओ। मिलाओ क्या? नहीं नहीं अंदर से हम चम्मच देते हैं। और ये चम्मच ढूंढने की। अरे यार पति देव तुम कब से? काम तुम्हारे अंदर बहुत हिडन टैलेंट है, हमको दिख रहा है। अरे वाह बेटा अच्छे से हिलाओ। जरूर करते हैं दीदी। अभी इसमें थोड़ा सा घी डाल दो। घी डालने का है क्या नज्जो आपा? क्या हो रहा है? मेरे को खाने का ही घी है, चुपचाप डालो। देखो कितना डालो। हाँ डालो 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 डालो। बस कर पगली रुलाएगी क्या? हाँ ये असली घी है, अलग ही वो आ रहा है यार, लग रहा है ना शिरकुम्मा 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 यार यार शिरकुम्मा शिरकुम्मा। कभी भी गाइस मैंने एक चीज कही तो पढ़ी थी मतलब देखी थी कि कभी भी आप कुकिंग कर सकते हो, आप एकदम खुशी खुशी आपको कुकिंग करना चाहिए। yes. ऐसे मतलब मनु सो के नहीं बनना चाहिए, जैसा आरती कर रही है। अरे गाइस मैं तो अपनी शक्ल दिखा ही नहीं रही यार, मेरे को कैमरामैन बना के खड़ा कर दिया तुम लोग दोनों ने। हो गया नज्जो आपा, कैमरा पकड़ो पकड़ो चलो कैमरा पकड़ो। देखो ये हम आपके साथ खेल रहे हैं, आपको नहीं पता है नज्जो कौन है? गेस हु एम आई। हाँ अब ये डाल दिए, वेरी गुड। मुझे टेस्ट कराना, हम शेफ है। मिठास होना चाहिए ना बेटा, ज्यादा मिठास नहीं करते मिठास, लोगों की बातें काफी है। देखो बस
इतना अबे इतनू है ये तो इतना बोल पूरा डाल दो ना वो पूरा डाल दो हाँ डालो डालो पूरा मैं डालो मैं बताती हूँ और एक चम्मच स्वाद अनुसार और एक चम्मच मिल्क भी अपने पास मिल्क पर डालो नहीं नहीं ज्यादा हो गया नए नए स्टंट्स नहीं ट्राई करते गाइस अपुन बस मीठा नहीं रहेगा मजा नहीं आएगी देखो ज्यादा मीठा रहेगा तो एसिडिटी भी हो जाएगी नहीं तो ज्यादा मीठा रहेगा तो सो गाइस आपको इसके बाद डालना है शक्कर ये क्या है ये ऐसा एंटिक पीस कहाँ से लेकर आए थे ये गोल गोलगप्पा है गोलगप्पा ओके अब नेक्स्ट क्या डालना है ये तो हट गया हो गया सब डालेंगे हम तीनों डालेंगे ओके कहानी घर घर की कहानी घर घर रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नज्जो आप प्लीज आप गाइए मत आपको मुंबई नहीं लेके जा रहे हैं आप गाइए मत आप गाने लग रहे हो नए नए पड़ोसी होते डालने का है कितना डालने का है डालते ही जाने का है अपने मन अनुसार ठीक है मेरा मन कर रहा है अभी से भी एक बार और डालू बस फिर बस 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 बहुत हो गया मेरे को लग रहा है सब इसमें ही जमा हो गया बस हो गया बस हो गया सो गाइस दिस इज द लास्ट स्टेप आपको ये डालना है सेवई एंड उसके बाद आप उसको सेवई नहीं बोलते ऐसे तो क्या सेवई सेवैया तो आपको डालना है सेवैया और फिर उसके बाद में इसको पकने के लिए छोड़ देना है फॉर Lifetime. For उबाल. For उबाल. बोल बोली. जैसे उबाल आएगा, then you can take the shirkuma and you can have it. We'll also have it and I'll let you know how it was. तो गाइज फाइनली शिरकुमा हो चुका है रेडी और आरती आ गई है शिरकुमा लेके माशाल्लाह माशाल्लाह आई आई टिडिन टिडिन निदा बहन निदा गई हो जवान को देखने टिडिन 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 और बताइए कि कैसा बना है दिख रहा तो अच्छा है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं पर तुम ही चक्के दो कैसा अच्छा रहा तो बोलना आगे वरना फिर मत बोलना चलो ठीक है आ जाओ बहन रिस्क उठाइए जरा ये सबसे कम वाला उसका है सबसे कम वाला मेरा है मैं सबसे कम वाला ठीक है चलो पी लो तुम भी क्या याद रखोगे ये क्या इना मीना डिगा कर रहे हो हाउस इट अच्छा है थैंक यू और गाइस ये रेसिपी हमें दी है सुफियान भाई की मम्मी ने क्योंकि हमें ऑब्वियसली शिरकुमा की रेसिपी नहीं पता थी अच्छी है और क्या घी क्यों तुमको घी से एसिडिटी जो घी लवर है मैं उससे पूछती हूँ फिलहाल फिर कैसा लगा आपको मस्त है चलो गाइस अभी मेरी डाइन है मैं भी पी के चखती हूँ कि कैसा लग रहा है आइए आइए मोहतरमा ऊपर बैठिए नहीं नहीं चलेगा कोई बात नहीं काहे इतना डाउन टू अर्थ हो रहे हो अरसलान की आत्मा आ गई मेरे अंदर मामा मेरा हाथ का बहुत गर्म है ब्रो फूक मार के पियो फुट मार के पी मस्त बना था दस्ती घी भी से गाइस बहुत ही अच्छा बना है बहुत टेस्टी लेकिन बहुत गर्म है तो मैं इसको पी लेती हूँ फिर आपको कोल्ड करके पियो तो और मजा आएगी कोल्ड शिरकुमा है ना और मजा आएगी निजा नहीं यार डोंट डिस्टर्ब मी आई एम ईटिंग समथिंग वेरी टेस्टी या तो चलो गाइस खा लेते हैं ड्रिंकिंग तो पहले इसको पी लेते हैं फिर मिलते हैं गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ मिसबा को भी मिलने मिसबा ईद मुबारक आपको कैसी जा रही है आपकी ईद चल रही है गाइस बिचारी ईद में भी साफ सफाई कर रही है फुल कामों धामों में लगी हुई है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बहन तुम क्योंकि घर साफ होना जरूरी है ना तभी झाड़ू पोछा कर रहे थे तुम कर रहे थे नहीं बाकी दूसरे कहाँ गए ईदी कितनी मिली ईदी मुझे 10,000 रुपए ओहो क्या बात है महमूद भाई का है जरा ईदी लूँ मैं भी अपनी महमूद तुम लोग ईदी नहीं मिलेगी अभी क्यों गिफ्ट नहीं ईदी लाएंगे हम लोग क्या बात है निदा के लिए थैंक यू सो मच मींस लॉट तो गाइस अभी हम इस बात से मिलते हैं फिर आपसे मिलते हैं और फिर हम चलते हैं घर बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं भी देखो कौन नटा पटा तुम भी नटा पटा ही हो बहन तुम भी नटा पटा ही हो झूठ तो बोलना ही नहीं बोलना ही नहीं का मुंह देखो और कपड़े देखो मैं क्या है मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं है कपड़े कपड़े भी नॉर्मल ही है मिलाकर कपड़े हो गए पूरा चलो झुमका ढुमका कौन पहना वो तुम भी तो कान के वान के पहनी हो मेरे तो बाल ही पहनी वो भी सोने के मेरे तो नकली है बताओ हद हो गई है तुम नटा पटा गाइस हम दोनों नटा पटा बस वीडियो में सारा क्यों रो रहा है तेरे तुम स्नैप भेजे थे उसको रोते अरे
मैं बोल रही थी आज जरा स्नैप वैप ले, वीडियो ले, आ ही नहीं रही है, रो ही है रो ही। मैं बोली अब तो रोते रोते चले अपने समझो क्या। कनिंग 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 आरती। तो गाइज मैंने मिसबा को तो विश कर दी, महमूद भाई ईद मुबारक। अरे मैं तो यही थी, तुम किधर थे? अरे क्या सही है, स्पेशली तुमको विश करने के लिए आज मैं खारघर आई। ईद ईद मुबारक। आई नहीं ना। हाँ सही है भाई, सही है, मीटिंग था, थोड़ा सही मीटिंग है, सही था, मीटिंग था। लेकिन तुम कभी भी विजिट करो, कर सकते हो कभी भी। कल इंशाल्लाह जरूर। हाँ छुट्टी। हाँ ठीक है, मस्त। और मिसबा ने मेरे को बताई, मैंने मिसबा को सीधा बेशर्मी से आके पूछी कि मेरे को ईदी दे दो। हाँ। तो मिसबा ने बोली कि नहीं, ईदी तुमको महमूद भाई जैसे लास्ट टाइम भी दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। गिफ्ट देंगे। तो मैंने बोली चलो ठीक है, ये बताने का नहीं है क्या? अरे इतना क्यों शर्मा रहा है? अरे गाइस मेरे को कुछ डाउट आ रहा है लोग के ऊपर, बट एनीवेज चलो देखते हैं। तो ये सरप्राइज जब दूंगा ना तुम्हारी आंख खुली की खुली रहे। बाप रे ऐसा मत बोलो, मेरे को एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा अभी। मत गाइस कुछ तो आने वाला है, कुछ तो आने वाला है, मेरी सुन लगता है को, बताना नहीं। अरे यार एंजाइटी में मार दोगे आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो गाइस मैं आ गई थी घर पे और बहुत अच्छा लगा आज वहाँ पे, मैंने ऐसा ही कुछ नया चीज सीखी। तो आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, मतलब देख के ही कैसा लगा, ऑब्वियसली टेस्ट तो नहीं करा सकती थी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज कल मैं एक बहुत ही मस्त वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो वो ब्लॉग भी मिस मत करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।